आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा कि सीढ़ियाँ चढ़ने से इंसान स्वस्थ रहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक दिन में कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए और इसके कौन से फायदे हैं? आजकल हर बिल्डिंग में लिफ्ट की सुविधा रहती है, ऐसे में सीढ़ियाँ चढ़ने की आदत खत्म होती जा रही है। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में छोटा सा बदलाव करें और लिफ्ट की बजाय आप सीढ़ियों का इस्तेमाल शुरू कर दें, तो ये छोटा सा बदलाव आपके जीवन में गजब के फायदे ला सकता है। अगर आप रोजाना 15 मिनट सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो इससे आपको 15 फायदे मिलेंगे। सबसे पहले ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, वजन कम होता है, खास तौर से बेली फैट कम होता है। सीढ़ियाँ चढ़ने से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। डायबिटीज़ में भी ये फायदेमंद है। कई अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि इससे ब्लड शुगर लेवल भी काफ़ी सकारात्मक असर होता है। दिल की सेहत के लिए अच्छा तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते, उनके मुकाबले सीढ़ियाँ चढ़ने वाले लोगों में हार्ट अटैक का खतरा 39% कम होता है। सीढ़ियाँ चढ़ने से हड्डियों की सेहत अच्छी रहती है, स्टेमिना बढ़ता है, बेली फैट कम होता है। सीढ़ियाँ चढ़ने वाले लोगों को डिमनेशिया जैसी बीमारी का खतरा नहीं होता, उनकी मेमोरी भी तेज होती है, फेफड़े बेहतर तरीके से काम करते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने वाले लोग लंबा जीवन जीते हैं, उनकी आयु लंबी होती है, डिप्रेशन से दूर रहते हैं, अच्छी नींद आती है, मांसपेशियाँ बनती हैं और पैरों की मांसपेशियों में कसावट आ जाती है। सीढ़ियाँ चढ़ने से मूड भी अच्छा होता है। एक दिन में आपको कम से कम 15 मिनट सीढ़ियाँ चढ़नी ही चाहिए। 15 मिनट में आप करीब 50 सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। हालांकि ये आपकी स्पीड पर भी निर्भर करता है कि आप 15 मिनट में कितनी सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं। खुद को फिट रखने के लिए ये सबसे कारगर और आसान एक्सरसाइज है जो आप रोज़ाना आसानी से कर सकते हैं। तो प्लीज़ लेट मी दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप ऑलरेडी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो आप मुझे अपना अनुभव कमेंट के जरिए साझा करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब द चैनल।